हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा का कुमार दर्शकों के सिर से उतरा भी नहीं था। ऐसे में एक्टर की सुपरहिट फिल्म अला वेंकट पुरमलो के हिंदी डब वर्जन को सिनेमाघरों में रिलीज करने का ऐलान कर दिया गया था। पुष्पा की जोरदार सफलता के बाद अल्लू अर्जुन की अला वेंकट पुरमलो के हिंदी डब वर्जन को थिएटर्स में रिलीज कर मनीष शाह बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करने की प्लानिंग कर रहे थे। इसे लगभग 2000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया जाना था। जैसे ही ये बात कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की फिल्म शहजादा के मेकर्स को पता चली तो वो भी हैरान रह गए। अला वेंकट पुरमलो के हिंदी रीमेक शहजादा को रोहित धवन डायरेक्ट कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दो दिनों में शहजादा के प्रोड्यूसर्स अलू अरविंद, अमन गिल और भूषण कुमार मनीष शाह के साथ हिंदी में अला वेंकट पुरमलो की रिलीज पर चर्चा कर रही है। आखिरकार फिल्म की रिलीज को रद्द करने का फैसला किया गया है। मेकर्स को लग रहा है कि सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद इसका सीधा असर शहजादा पर पड़ेगा। अब इस बात की चर्चा है कि मनीष शाह रामचरण की रंगस्थलम के डब्ड वर्जन को जल्द ही रिलीज कर सकते हैं। चर्चा है कि मनीष शाह अब अला वेंकट पुरमलो को यूट्यूब और सैटेलाइट पर रिलीज कर सकते हैं। साउथ की डब्ड फिल्मों को यूट्यूब पर दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जाता है। बता दें, इस खबर के सामने आने के बाद से ही अल्लू अर्जुन के फैंस को बड़ा झटका लग सकता है। जो लोग पुष्पा देखने के बाद अल्लू अर्जुन की अला वेंकट पुरमलो को देखने के लिए थिएटर्स का रुख करने वाले थे, वो अब इस फिल्म को थिएटर्स में नहीं देख पाएंगे। हालांकि ऐसा होने से कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। कार्तिक की शहजादा इसी साल नवंबर के महीने में रिलीज की जाएगी। वैसे इस खबर की पुष्टि अब ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने भी कर दी है। ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर उन्होंने बताया, अला वेंकट पुरमलो हिंदी रिलीज कॉल्ड ऑफ। बात करें पुष्पा की तो हिंदी बेल्ट में इसकी सफलता ने बड़ी बड़ी बॉलीवुड फिल्मों को मात दे दी है। कोरोना काल में भी वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने तहलका मचाते हुए 300 करोड़ का कारोबार किया है, जो कि काबिले तारीफ है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।